हेलो माय लवलीज, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा किचन का एक टूल कह लीजिए या कोई प्रोडक्ट कह लीजिए या जैसे भी आप समझ लीजिए। मैं तो इसको मल्टीपर्पज़ वे में यूज़ करने वाली हूँ। मैं इसे होम डेकोर में भी यूज़ करने वाली हूँ एंड किचन में तो यूज़ होगा ही होगा ये आइटम। तो क्या चीज़ है आप पिक में देख लीजिए, डेफिनेटली आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या चीज़ जो है आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अगेन से आप बोलोगे फिर से लेकर के आ गई वही डिश ड्राइंग मैट, अरे हाँ भाई लेकर आ गई हूँ, लेकिन ये डिफरेंट चीज़ है। लास्ट टाइम जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था दैट वाज फॉर डिशेस, मतलब कि आपके बर्तनों को सुखाने के लिए था, जो कि आप किचन काउंटर पे रख सकते हो जहाँ पर आप बर्तन धो कर के रखते हो। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है दूसरी चीज़, मतलब कि अगर आप वॉशिंग डिश वॉशर यूज़ कर रहे हो, वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हो या फिर आपके रेफ्रिजरेटर के ऊपर ही अगर आपको क्यों ना रखना हो तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर इस मैट को रख सकते हैं। क्यों रखना है, क्यों यूज़ करना है, सिंपली सी बात है, सिंपल सी कि भाई अगर आप भी मेरी तरह हो जो कोई भी जगह ना खाली नहीं छोड़ते, जैसे मेरे तो बहुत ही बुरी आदत कह लीजिए इस चीज़ को या अच्छी आदत कह लीजिए कि जो भी चीज़ें हैं ना सबके टॉप के ऊपर मैंने कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स डाल करके कुछ ना कुछ चीज़ें डेकोरेट की हुई हैं। और कभी कभी जो है अगर ज़रूरत पड़ती है, जैसे घर में मेहमान आ जाते हैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है, घर में मेहमान आ जाते हैं तो बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर उनके लिए पानी है रखना है, जग रखना है, बच्चे यहाँ वहाँ ग्लास रखते रहते हैं, तो मैं इस तरीके से जो है ना चीज़ें प्लेस करके रख देती हूँ जिससे घर में पानी ना फैले। क्योंकि आपको भी पता है अगर एक बार पानी फैल गया ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है दिन भर उसको वाइप ऑफ करते रहना। इस तरीके के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा वर्क करेंगे आपके लिए। 60x60 का ये मिलने वाला है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रिंट होने वाला है, फ्रिज के ऊपर आपके बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। आप इसके ऊपर आराम से फ्रिज के ऊपर डाल करके अगर आपको रखनी है अपने जग रख सकते हैं, ग्लासेस रख सकते हैं, अगर आपको चाहिए है तो आप इसको अपने टेबल पे रख करके स्क्वायर टेबल पे या कहीं पे भी ऐसी जगह रख करके डेकोर के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसकी ऊपर अगर रखा हुआ कोई वास रख रहे हैं आप या कोई भी चीज़ रख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। मैं रख के दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से अगर आपको डेकोरेट करना है तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ रख करके डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये तो ग्रीन में ग्रीन थोड़ा सा मिक्स लग रहा है, लेकिन हाँ अगर आप कुछ और कंट्रास्टिंग कलर में रखेंगे तो बेहद खूबसूरत लगने वाला है। मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है, इस तरीके से आप रख सकते हो, प्लेसमेंट के तरीके से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, आप इसको फ्रिज के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर आराम से आप जग या पानी के ग्लास भी रख सकते हो, थोड़ा बहुत अगर कुछ गिरेगा भी तो भी ये आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा। देख लीजिए ये बिल्कुल एंटी स्लिट वाला है, स्किट नहीं करने वाला है, तो जिस जगह आप रखेंगे ना उस जगह पकड़ करके आराम से रखेगा। कभी अगर छोटे बच्चों को आपको खाना वाना देना है और आपको चाहिए कि बेड पे रख करके उनको खाना के दे दें तो भी आप आराम से रख सकते हो इसको, इसके ऊपर रख करके आप बच्चे को खाना दे दीजिए। अगर पानी गिर रहा है या खाना गिर रहा है तो ये आपका बेड ख़राब नहीं करेगा, बेडशीट ख़राब नहीं होगी, आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो मल्टीपर्पज़ वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो। मुझे तो ये बेहद पसंद आया, कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके जो इतने वाइब्रेंट बढ़िया से कलर है ना, मुझे इस कलर की वजह से ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया था, तो फ्रिज के टॉप पर रखा हुआ तो ये बेस्ट लगने वाला है। तो मैं तो इसे मोस्टली वहीं यूज़ करने वाली हूँ या फिर मैं इसे डेकोर में यूज़ करूँगी। कहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ आपको जानने के लिए, देखने के लिए ज़रूर से मिलेगा किसी ना किसी शॉट में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और प्रोडक्ट कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।